कोई भी कौम तालीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। अमीर शरीयत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी। कदवा मदरसा में तालीम तामीर और इत्तेहाद पर आधारित जलसे का आयोजन। 41 हुफ्फाज़े कराम की दस्तारबंदी। रानीगंज के कदवा स्थित मदरसा मदीनतुल उलूम में आयोजित तालीम तामीर और इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस एवं इजलास से दस्तारबंदी। हुफ्फाज़े कराम के जलसे में अमीर शरीयत बिहार, झारखंड और उड़ीसा। मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी ने कहा कि किसी भी कौम की तरक्की तालीम के बिना मुमकिन नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि तालीम से तरक्की के रास्ते खुलते हैं और समाज को बेहतरी की ओर ले जाया जा सकता है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बेहतर तालीम और बच्चों की तरबियत हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मौजूदा दौर में जब विज्ञान और तकनीकी शिक्षा का बोलबाला है, ऐसे में दीनी और आधुनिक तालीम का तालमेल जरूरी हो गया है। जैसे में इलाके के हजारों लोगों ने शिरकत की, जिसमें उलेमाओं और क्षेत्रीय नेताओं की उपस्थिति रही। 41 हुफ्फाज़े कराम की दस्तारबंदी। इस जलसे का मुख्य आकर्षण 41 हुफ्फाज़े कराम की दस्तारबंदी रही। मदरसा मदीनतुल उलूम ने तालीम हासिल करने वाले इन हाफिजों को अमीर शरीयत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी ने दस्तार पहनाई। उन्होंने कहा कि हाफिज वो हैं जिनके दिल और दिमाग में कुरान पाक सुरक्षित है। ये बच्चे और उनके परिवार के लोग बेहद ही खुशनसीब हैं। दस्तारबंदी में शामिल हफाज कराम के नाम इस प्रकार हैं: मोहम्मद अल्लामा, फिरदौस, रजा नूर, तालिब, इमरान, वकार, जुल्फिकार, अब्दुल्ला, नवाब, इमामुद्दीन, सिराज, आसिफ, मुदस्सिर, नौरोज, आसिफ, फरमान, शमशाद, शोराब, जैद, आमिर, महमूद, आदिल, सैफुल्ला, गुफरान, हफीजुद्दीन, अमीन और नवीद आलम। उलेमा और नेताओं की उपस्थिति। जलसे में मदरसा के नाजिम शमशुल कमर, मुफ्ती अलीम उद्दीन, काजी अतिकुल्ला रहमानी, मुफ्ती इनामुल बारी कासमी, मुफ्ती अतरुल कासमी और मोहम्मद मोइनुल हक सहित एक दर्जन से अधिक उलेमा ने तकरीर पेश की। इसके अलावा रानीगंज के विधायक अचमत ऋषिदेव और स्थानीय मुखिया भी उपस्थित थे। जलसे का संचालन और समापन। जलसे का संचालन कारी नियाज अहमद कासमी ने किया। देर रात आपसी भाईचारे और अमन शांति की दुआ के साथ कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर अमीर शरीयत ने समाज में तालीम और इत्तेहाद की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि ये पहल कौम और मुल्क को तरक्की की राह पर ले जाने में मददगार होगी।